हाय गाइस, स्वागत है आपका एम जी वालेन चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हंसा मलिक। और दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक नई और एक्साइटिंग वीडियो लेकर। आज हम करने वाले अपने कैनन 200D मार्क टू के साथ 50mm का लेंस टेस्ट। जी हाँ गाइस, आज हम इसे शूट करेंगे, डे लाइट कंडीशन में आज हम शूट करने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा इसमें देखेंगे किस तरह का बैकग्राउंड ब्लर ये कर रहा है, जिसके लिए मशहूर है कैमरा बैकग्राउंड ब्लरिंग के लिए। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, आप देख पाओगे लेने से पहले आखिर ये 50mm काम कैसा कर रहा है। मुझे गाइस काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए, 1.5-2 महीने से ज़्यादा ही होने वाले हैं। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। और आज मैं सिर्फ डे लाइट की शूटिंग करने वाला हूँ, रात के सीन के लिए हम दिवाली के आसपास में नाइट फोटोग्राफी करेंगे, तो उसमें आपको रात का आइडिया मिल जाएगा किस तरह की फ़ोटो वीडियो यहाँ पे आ रही हैं। तो अभी डे लाइट की ज़रा टेस्टिंग की जाए और चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको वीडियो टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। अभी यहाँ पर डे लाइट कंडीशन है और टाइम हो रहा है 2 बज रहे होंगे जहाँ तक है। और अभी आपको पहले वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद फोटोज़ के सैंपल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक वीडियो शूट करता हूँ। और दोस्तों, सेटिंग में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। यहाँ पर मैं जोन से रख रहा हूँ, 50mm लेंस है हमारे पास 1.8 अपर्चर के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं हाथों से बगैर ट्राइपॉड के यूज़ करके ले रहा हूँ। सेटिंग आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, ISO 100 है और f1.8 है। शटर स्पीड गाइस, एक्सपोजर मेंटेन करने के लिए मुझे शटर स्पीड बढ़ानी पड़ी, जो कि 200 के अराउंड है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर हमें किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा मतलब ब्लर आ रहा है बैकग्राउंड में पीछे। और जैसे इसमें गाइस एक चीज़ बता दूँ, 50mm लेंस के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, तो थोड़ी सी शेकी वीडियोज़ आएंगी, तो अपने हाथ को आपको थोड़ा स्टेबल रखना होगा। कोशिश कीजिएगा अगर वैसी शूटिंग करें तो ट्राईपॉड या गिम्बल वगैरह का यूज़ करें, क्योंकि 50mm विदाउट इसलिए जैसा मैंने बताया स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता। और आप ब्लर देख सकते हैं, फोकसिंग आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली हो रही है। और गाइस, इसी वजह से मुझे कैनन का ये जो 200D मार्क टू, मतलब इसी वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आया था, जो इसकी फोकसिंग स्पीड है। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से फोकस कर रहा है, और आप ब्लर इफेक्ट देख ही सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों, ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। शटर स्पीड यहाँ 200 रखी है, मैं जैसे शटर स्पीड बढ़ा रहा हूँ, शटर स्पीड जब यहाँ पे 320 कर दी है, और यहाँ 250 है शटर स्पीड। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर ब्लर देखने के लिए मिल रहा है। और मैं शटर स्पीड जैसे कम कर देता हूँ, तो थोड़ी सी ब्राइट और इमेज वीडियो को हमारी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब ब्लर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, जो 50mm काम कर रहा है वीडियो के लिए। अच्छा ब्लर देखने के लिए मिल रहा है आपको, तो पैसा वसूल है, वीडियो के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ देखने के लिए किस तरह की यहाँ पे फोकसिंग कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं कैमरा को हैंड टू हैंड चेंज कर रहा हूँ, और फोकसिंग देख सकते हैं आप कितनी स्मूथली हो रही है। जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ, फोकसिंग काफ़ी अच्छी तरह कर रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, अभी मैंने बेंच पर करा और अभी यहाँ पर पेड़ पर कर दिया, तो फोकसिंग आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर गाइस जैसे 125 शटर स्पीड हमें यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा एक्सपोजर मेंटेन करने के लिए सही से। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब क्वालिटी का आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह का आपको ब्लर देखने के लिए मिल रहा है। तो ब्लर इफेक्ट गाइस काफ़ी अच्छा है, और इसमें जूमिंग नहीं होती 50mm लेंस में, जैसे प्राइम लेंस है इसमें जूमिंग देखने के लिए नहीं मिलती आपको। तो आपको अगर कुछ पास से लेना है तो आपको चल के जाना होगा ऑब्जेक्ट के पास। तो ब्लर इफेक्ट का आपको आइडिया हो ही रहा होगा किस तरह से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के ये कुछ सैंपल्स मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि आपको एक अच्छा आइडिया दे देंगे इस लेंस को लेने से पहले। और चलिए अब हम आगे चलेंगे इसके फ़ोटो सैंपल्स की तरफ, फोटोग्राफी अब इससे करके देखते हैं किस तरह के आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अपना पहला फ़ोटो ले रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, हमने अपने मॉडल को हमने यहाँ पर बेंच पे बैठा दिया। लाइटिंग कंडीशन डे लाइट टाइम हो रहा है, 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा है। सेटिंग्स आपको सारी डिस्प्ले पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए अपना पहला फ़ोटो कैप्चर करते हैं। और गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ सारी JPEG फॉर्मेट पर ले रहा हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर हम आपको फ़ोटो दिख जाएगी जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ। और बाकी एडिटेड फ़ोटो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो ISO रखी यहाँ पर हमने 100 और f1.8 पर है, और शटर स्पीड 1/160। I'm backwoods smoking, I don't know papers, pass that 808. That dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up.
Can I stay up? Put your bitch on my Snapchat while I fuck my makeup. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shorty, I know what you after. Okay, New Orleans, watch out, look, I'm jugging. Dissect your head if your hand am I putting. Put two in your man if your man keep a looking. Act like a poop, your bitch get tookin'. I'm not the type to go fuck with them niggas. So stay on some fish. Oh, young and trapping out the band though. From the ceiling fan to the damn floor, trying to stack my money up. Cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. Online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow. दोस्तों टाइम हो गया है 5:30 बज रहे हैं। जितने भी फोटोज़ कैप्चर कर रहे थे सारे मैंने डाल दिए हैं। आई होप एक आपको अच्छा सा आइडिया मिल गया होगा किस तरह कैमरा परफॉर्म कर रहा है हमारा 50mm लेंस के साथ। तो मुझे पर्सनली गाइस काफ़ी पसंद आया फोटो, जो बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों ये था अभी हमारा डे लाइट में कंडीशन में हमने टेस्ट कराया, मतलब किस तरह का ये परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली अभी हम करेंगे इसका नाइट में, मतलब रात में। मेरठ के अंदर सेंट्रल मार्केट है और दिवाली आ रही है, तो डेकोरेशन काफ़ी तगड़ी होने वाली है। तो रात में इसका हम शूट करेंगे, देखेंगे कि 50mm लेंस कितना तगड़ा साबित होता है रात के शूट के लिए, मतलब निराश करेगा हमें नहीं करेगा। तो जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को और लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि यार पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो बनाने के लिए। आपको यार देख के आपको पता ही लग रहा हो कितनी मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us.
so can